मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन मतलब कि विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम फॉलोइंग इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन मेनली HPO एक्सिस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। मतलब यहाँ पे अपन को साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग दिखेगी, ठीक है? क्यों दिख रही है? क्योंकि एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है। और इसके अंदर क्या रोल है हार्मोन्स का? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का। एनाटॉमिकल एस्पेक्ट की बात करें तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का बात है 11 से 15 साल में, ठीक है? और मीन ईयर की मीन एज बात करें तो 13 साल। साइकिल जो है 21 to 35 डेज तक के लिए रहती है, मतलब 21 to 35 डेज के बाद साइकिल रिपीट होती है। अगर एवरेज की बात करें तो 28 डे। ड्यूरेशन 4 से 5 दिन तक रहता है मेंसेस का। और अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस 20 से 80 ml, एवरेज की बात करें तो 70% ब्लड लॉस जो है फर्स्ट 2 डेज में हो जाता है। डिस्चार्ज में क्या क्या रहेगा? डार्क अल्टर ब्लड रहेगा, म्यूकस, वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स, फ्रेगमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंजाइम एंड बैक्टीरिया। फोलिकुलर ग्रोथ एंड एट्रेशिया की अगर अपन बात करें, सबसे पहले फोलिकल्स की ग्रोथ, फोलिकुलर ग्रोथ एंड एट्रेशिया, तो फोलिकल्स की ग्रोथ वगैरह की बात करेंगे हम। तो जर्म सेल, फिर प्रीमोडल फोलिकल, फिर आएगा साइक्लिक मैच्योरेशन ऑफ फोलिकल, ओवेरियन साइकिल जिसमें ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, फोलिकुलर एट्रेशिया। सबसे पहले बात करते हैं जर्म सेल की। जर्म सेल ये माइग्रेट होती है कहाँ से? एंडोडर्म ऑफ योक से इन हाइंडगट से कहाँ चली जाएगी? ये जेनिटल रिज में 5 to 6 वीक ऑफ गेस्टेशन के दौरान की बात चल रही है। फिर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। 20 वीक जो है ना गेस्टेशनल पीरियड, मतलब कि प्रेगनेंसी का 20वां सप्ताह में 7 मिलियन रहेगा। फिर उसके बाद ये 7वें महीने में तक ये क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा जर्म सेल का। और फिर इसके बाद ये प्रोफेस फर्स्ट में रुक जाते हैं। म्यूटिक डिवीज़न जो है उसकी प्रोफेस फर्स्ट में रुक जाएगा डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो उस दौरान उसको प्राइमरी ओसाइट कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जर्म सेल का माइग्रेशन हमने देखा कि योक से इन द हाइंडगट टू जेनिटल रिज 5 to 6 वीक ऑफ गेस्टेशन, देन प्राइमरी ओसाइट। अभी ये प्राइमरी ओसाइट बन चुका था, है ना? फिर प्राइमरी ओसाइट जो किससे सराउंड रहता है? अगर फ्लेट सेल से एंड स्ट्रोमा से, उसको कहते हैं प्राइमोडल फोलिकल। प्राइमोडल फोलिकल मतलब प्राइमरी ओसाइट सराउंडेड बाय फ्लेट सेल एंड स्ट्रोमा। अब प्राइमरी ओसाइट जो है वो ग्रो करता है, और उसमें कहाँ तक ग्रो करता है? डिप्लोटिंग स्टेज तक। फिर वहाँ पे इसमें डिवीज़न रुक जाएगा, ठीक है? अरेस्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ओसाइट एट 20 वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ 6 to 7 million। और 20 वीक में 6 to 7 million, एट बर्थ पे 2 million, ठीक है, ओसाइट। और प्यूबर्टी में 4 लाख, और ओव्यूलेशन के लिए कितने इंटर होते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड में? 400 यूज़ होते हैं, ठीक है? मैच्यूरेशन की बात करते हैं अब। प्राइमरी ओसाइट जो है डिप्लोटीन फेज में रुका हुआ था। फिर मिड साइकिल में क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है, जब साइकिल आने लगती है, तो मिड साइकिल में LH सर्ज होता है। LH हार्मोन बढ़ता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसकी वजह से क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट जो रुका हुआ था ना, वो स्टार्ट हो जाएगा। इनिशिएट प्रिसम्पशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगी, सेकेंडरी ओसाइट बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। क्रोमोसोम 23 रहेंगे। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न स्टॉप हो जाता है मेटाफेज स्टेट में। अब सेकेंडरी ओसाइट जो था वो कंप्लीट करता है सेकेंड मियोटिक डिवीज़न ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब जो प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट कब बना? LH सर्ज के बाद, ठीक है, मिड साइकिल में। और इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन हुआ ना, उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट से डिवीज़न होगा, उसमें सेकेंड डिवीज़न होगा मियोटिक डिवीज़न, इसकी वजह से डॉटर सेल बनेगी, और जिसमें ओवम और पोलर बॉडी, ठीक है? तो ओवम, ये पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म कम रहता है, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा ओवम जो है वो बन गया और सेकेंडरी पोलर बॉडी बन गई। अब प्राइमोडल फोलिकल की बात करते हैं। तो प्राइमोडल फोलिकल जो है उसमें एक ओसाइट रहता है जो कि सराउंडेड रहता है किसके द्वारा, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेन ग्रेनुलोसा सेल। ओसाइट है, ओसाइट किससे सराउंड रहेगा, सिंगल ग्रेनुलोसा सेल, फ्लैटेन लेयर। और इसके बाद फोलिकल्स का मेजरमेंट की बात करें तो 0.03 to 0.05 mm, ओसाइट का डायमीटर की बात करें तो 18 to 24 micron, न्यूक्लियस 12 micron और न्यूक्लियोलस 6, ठीक है? तो ये जो है ना, यहाँ पे ये प्राइमोडल फोलिकल की बात करी।
मॉर्फोलॉजी ऑफ ओसाइट की बात करते हैं तो प्राइमरी ओसाइट जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन 130 माइक्रोन और न्यू ओवुलेशन के पहले की बात चल रही है अब तो 130 माइक्रोन का रहेगा प्राइमरी ओसाइट और न्यूक्लियस उसका 20 से 25। ग्रेन्यूलोसा सेल्स जो है वो ओसाइट के आसपास जो सराउंड करती है उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूलोसा सेल सराउंडिंग द ओसाइट कॉल कोरोना रेडिएटा और ओसाइट सराउंडेड बाय आउटर एनवेलप, ओसाइट के आसपास एनवेलप रहता है उसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, विटिलस। ठीक है, जिसमें कि न्यूट्रिटिव योग ग्रेन्यूल्स रहेंगे और जो मेम्ब्रेन है उसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। स्पेस बिटवीन द विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा इस कॉल्ड प्री विटेलाइन स्पेस। ठीक है, एक स्पेस रहता है जोना पेलुसिडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो कब बनती है, जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन के पहले, और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है जस्ट आफ्टर टू फर्टिलाइजेशन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर लेते हैं तो ओवेरियन साइकिल जो है इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा एंड मैच्योरेशन होगा फॉलिकल्स का, ओवुलेशन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन और डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। फिर इसके बाद ओवेरियन साइकिल में क्या क्या चीज़ें रहेगी, सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ कोहोर्ट फॉलिकल, मतलब कि फॉलिकल्स की भर्ती हुई, फिर सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल एंड इट्स मैच्योरेशन, फिर ओवुलेशन, फिर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन। फिर सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलिकल, तो 85 डेज एंड स्प्रीड ओवर 3 ओवेरियन साइकिल, मतलब कि 85 डेज लगते हैं भर्ती होने कॉर्पस ये फॉलिकल्स के, कितने फॉलिकल इंटर हो रहे हैं तो 20 एंट्रल फॉलिकल इंटर होते हैं 5 से 10 हर ओवरी से। ठीक है, और हार्मोन कौन सा इसको कंट्रोल करता है तो फॉलिकल, वैसे शुरुआत में कोई हार्मोनल कंट्रोल नहीं होता लेकिन बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कंट्रोल रहता है। फिर अगर नहीं मिला तो वो डीजनरेट हो जाएंगे, है ना, इंटर ही नहीं होंगे। फिर उस साइड जो है वो किससे सराउंडेड होता है, जनाब पेलुसिडा से। ठीक है, आउटर सिंगल लेयर जो है वो प्री ग्रेनुलोसा सेल्स रहेगी आउटर सिंगल सेल। ठीक है, वो अब जो आउटर सिंगल प्री ग्रेनुलोसा सेल लेयर थी वो क्यूबोइडल हो जाती है और मल्टी लेयर बन जाती है, उसको कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, तो उस साइड के आसपास क्या रहता है, जोना पेलुसिडा, और प्री ग्रेनुलोसा सेल जो है क्यूबोइडल हो जाती है, मल्टीपल लेयर बन जाती है, उसको ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा और फिर थीका इंटरनल लेयर बनने लगती है। ठीक है, फॉलिकल्स के सराउंडिंग, फिर उसके बाद ओवेरियन स्ट्रोमा सराउंडिंग ऑफ फॉलिकल, वहाँ पे क्या बनेगी, थीका इंटरनल। फिर डोमिनेंट फॉलिकल का सिलेक्शन कैसे होता है, तो ग्रेनुलोसा सेल्स जो है, अच्छा पहले ये फैक्ट है कि ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो फास्टर ग्रोथ करती है थीका सेल के कंपैरिजन में। अब डोमिनेंट फॉलिकल का सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है, कि एंट्रल कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड्रोजन का लेवल लो होना चाहिए और ग्रेनुलोसा सेल्स में मैक्सिमम एफएसएस रिसेप्टर होने चाहिए। ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो जो सराउंड करती है ओवम को टू फॉर्म, जो ओवम के आसपास जो ग्रेनुलोसा सेल है उसको क्या कहते हैं, कुलमस ओफोरस, क्यूमुलस ओफोरस या डिस्कस प्रोलिगेरस। थीका सेल सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेनुलोसा सेल बाय मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। फिर फॉलिकुलर फ्लूड में क्या क्या रहता है, एस्ट्रोजन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड्रोजन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग इनहिबिटर्स और एनिबिन। ग्राफेन फॉलिकल की साइज़ की बात करें तो 20 mm होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, आउटसाइड टू इनसाइड थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा सेल लेयर, डिस्कस प्रोलिगेरस या क्यूमुलस ओफोरस, जो कि हमने देखा था क्या होता है, क्यूमुलस ओफोरस या डिस्कस प्रोलिगेरस, मतलब कि ग्रेनुलोसा सेल सराउंडिंग द ओवम। ठीक है, एंट्रम में वेसिकुलर फ्लूइड भरा रहेगा। ओवुलेशन की बात करें तो एलएस सर्ज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और इनिशिएट ल्यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड सिंथेसाइज प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो एल एस सर्ज की बात कर रहा हूँ, तो एल एस सर्ज में क्या होता है कि ये क्या करता है, एल एस सर्ज स्टिमुलेट करता है रिडक्शन डिवीजन ऑफ ओसाइट एंड इनिशिएट ल्यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड सिंथेसाइज प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिंस। देन बात करते हैं एफएसएस सर्ज, ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बढ़ जाता है, फिर प्लाज्मिन से फिर क्या होगा, लाइसिस हो जाता है फॉलिकल का। फिर ओवुलेशन का इफेक्ट क्या होगा, ओवुलेशन की बात क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंजेस आते हैं, ओवम को पिकअप कर लिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में और ओवम की लाइफ स्पैन होती है 24 आवर्स। अब कॉर्पस ल्यूटियम की बात कर लेते हैं, तो स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, स्टेज ऑफ, देखो ओवम रिलीज हो गया तो जो बचा हुआ फॉलिकल इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं,
इसमें सबसे पहले प्रोलिफरेशन होगा, वस्कुलराइजेशन, मैच्योरेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, तो वस्कुलराइजेशन विद इन 24 आवर्स और रिग्रेशन 22 to 23 डे। ठीक है, लाइफ स्पान ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम 12 to 14 डेज। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी 22 to 20 डे, 8 डेज में से स्टार्ट होगा और ये 7 to 10 वीक तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लासेंटा काम करने लगेगा, तब कॉर्पस ल्यूटियम का काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हार्मोन सिक्रीशन, कॉर्पस ल्यूटियम क्या क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन और रिलैक्सिन। इम्प्लांटेशन विंडो की बात करें तो टाइमिंग एंड एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ब्लास्टोसाइट, मतलब टाइमिंग की बात चल रही है और एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, जो ब्लास्टोसाइट्स हैं उसका इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम कितने रिसेप्टिविटी है, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियल इम्प्लांटेशन विंडो। 20 to 24 डेज में इम्प्लांटेशन विंडो होगा। और फॉलिकुलर एट्रिशिया तो 20 वीक ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ से स्टार्ट हो जाता है, फॉलिकल्स में एट्रिशिया होना चालू हो जाता है, तो वो मेनोपॉज तक एट्रिशिया होता रहता है। अब एंडोमेट्रियल साइकिल की बात करते हैं, एंडोमेट्रियम जो होते हैं क्या होता है, एपिथेलियल लाइनिंग होती है यूट्राइन कैविटी की अबव द लेवल ऑफ इंटरनल वॉल्स। इसमें क्या क्या रहेगा, सरफेस एपिथेलियम, गोनाड, सिस्ट्रोमा और ब्लड वेसल्स। दो लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, बेसल लेयर जिसको स्ट्रेटम बेसालिस और सुपरफिशियल फंक्शनल जोन। अब बात करते हैं फंक्शनल जोन, ये किसके प्रभाव में रहेगा, ओवेरियन हार्मोन के। फिर इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे एंडोमेट्रियम में, तो रीजनरेटिव फेज, ये इसमें 2 mm थिकनेस रहेगी और ये मेंस्ट्रुएशन के पहले ही स्टार्ट हो जाता है और 2 to 3 डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन तक चलेगा ये। और प्रोलिफरेशन वाली फेज एंडोमेट्रियम में, तो इसमें 5 से 6 दिन से लगा के 14 दिन तक रहेगी, एस्ट्रोजन की वजह से प्रोलिफरेशन होता है, 10 से 12 mm थिकनेस रहेगी यहाँ पर एंडोमेट्रियम की। सिक्रेटरी फेज में 15वें दिन से 5 से 6 दिन पहले मेंसेस के तब तक चलेगी। चेंजेस इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम ने निकाले थे उससे सिक्रेटरी फेज में चेंजेस आते हैं, 12 mm थिकनेस आती है। मेंस्ट्रुअल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेट होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किस तरीके से होती है, सबसे पहले स्टेसिस ऑफ ब्लड, फिर स्पाजम ऑफ आर्टेरियल, एंजाइमेटिक ऑटो डाइजेशन ऑफ फंक्शनल जोन। ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि आर्टरीज ब्रोकन हो जाती है और कैपिलरीज ब्रोकन होती है, वेंस ब्रोकन होती है और फंक्शनल शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की। फ्लो स्टॉप कैसे होता है, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन के द्वारा वास्कोकंस्ट्रिक्शन और लोकल एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट। अब कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करते हैं, तो PGF2 alpha जो है वो क्या करता है, मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रेक्शन और वास्कोकंस्ट्रिक्शन। PGF2 क्या करता है, मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रेक्शन और वास्कोडायलेटेशन। PGI2 क्या करता है, मायोमेट्रियम का रिलैक्सेशन एंड वास्कोडायलेटेशन। फिर उसके बाद बात करते हैं मेंस्ट्रुअल सिम्टम की, तो ब्लीडिंग होती है वेजाइना से, पिंकिश डिस्चार्ज देखने को मिलेगा day 2 to 3 एंड डार्क रेड कलर का रहेगा। अच्छा, मतलब पिंकिस डिस्चार्ज शुरुआत में आता है, फिर 2 से 3 दिन बाद डार्क रेड हो जाता है, कोली की पेन होता है, बेक एक डिस्कम्फर्ट, मस्टालजिया, फुलनेस ऑफ ब्रेस्ट, ये सारे सिम्टम्स हो गए। देन इसके बाद आता है, हम डायग्राम देख लेते हैं कुछ। सो मेंस्ट्रुएशन इज द विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक प्रोलोंग यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू द सेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम फॉलोइंग इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन मेनली HPO एक्सेस। ठीक है, तो ये हाँ देखो, ये सबसे पहले आप देख लीजिए प्राइमरी ओसाइट में डिवीजन, कोरोना रेडिएटा क्या होती है, जोना पेलोसोडा है ना, विटेलाइन मेम्ब्रेन पढ़ी थी हमने, पोलर बॉडी है ना। इसके बाद ये देखिए डायग्राम्स, थीका इंटरना कहाँ होती है, जोना पेलुसिडा है ना, थीका एक्सटर्ना, ऊसाइट, ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, देन इसके बाद ये वाला डायग्राम सबसे पहले क्या रहेगा, ऊसाइट। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, फिर जोना पेलुसिडा, फिर जोना पेलुसिडा हो गया, फिर कोरोना रेडिएटा, डिस्कस प्रोलीगेरस, ग्रेनुलोसा सेल्स, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद थीका एक्सटर्ना, थीका ल्यूटियन सेल्स, ग्रेनुलोसा ल्यूटियन सेल्स, फॉलिकुलर कैविटी विद इन फाइब्रिन एंड क्लॉट। अर्ली प्रोलीफरेटिव फेज, लेट प्रोलीफरेटिव फेज, अर्ली सेक्रेटरी फेज, इसमें आप चेंजेस देख सकते हैं। सिक्रेटरी फेज, लेट सिक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज। ट्रांसवेजाइनल स्किन डेमोस्ट्रेटिंग थिकनिंग, ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम।